जय सच्चिदानंद। गुरुमुखों और प्रेमियों, आज एक बहुत ही सुंदर सत्संग लेकर, कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मुझे जब भी कोई अच्छी चीज़ पढ़ने को मिलती है तो मेरा दिल करता है कि मैं आप सभी के साथ में उस बात को, उस कहानी को, उस कथा को शेयर करूँ। तो एक बार की बात है कि कुछ बंदर पकड़ने वालों ने बंदर पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अब उन्होंने क्या किया कि छोटे से मटके में, जिसका मुंह बहुत ही छोटा था, और उसको मिट्टी में दबा दिया ऊपर तक, और बहुत छोटे से मुंह में उसके चने डाल दिए और कुछ चने उसके ऊपर भी खेर दिए। थोड़ी ही देर बाद एक बंदर की नजर उन चनों पर पड़ी। अब बंदर चनों से अट्रैक्ट होके वहां पर आता है और वो जितने बिखरे हुए चने हैं वो सब एक एक करके खा जाता है। अब वो देखता है कि उस मटके में भी चने पड़े हुए हैं, तो जैसे ही वो अपना हाथ अंदर डालता है और मुट्ठी बनाकर चनों को बाहर निकालना चाहता है। अब मटके का मुंह इतना छोटा है कि उसकी मुट्ठी बाहर निकल नहीं पा रही, और बंदर बहुत परेशान हो जाता है, चीख चिल्ला रहा है, रो रहा है, और एक पास से गुजर रहे व्यक्ति को उस पर दया आ जाती है। अब वो बंदर के पास में जाके उससे थोड़ी दूरी पर, कि जहां से वो आसानी से उठा ना सके, एक केला जाकर रख देता है। अब आप तो सब जानते हैं कि बंदर को केला बहुत पसंद है। अब बंदर जब उस केले को देखता है तो उस केले को पाने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसकी जो चनों वाली मुट्ठी है वो खुल जाती है और आसानी से उसका हाथ उस मटके से बाहर आ जाता है, और बंदर केले को उठाता है और भाग जाता है लेकर। तो ये कहानी बंदर की नहीं है, सिर्फ हम सबकी भी है ये कहानी, कि काल ने हम जीवों के लिए संसार में ये सुख सुविधा रूपी चने बखेर रखे हैं, जिनको चुगने में हम लग जाते हैं, परंतु ये हमारे हाथ भी नहीं आते और हमारा जीवन भी नहीं बनता। तो श्री सद्गुरुदेव जी भगवान को हम जीवों पर दया आ गई, उन्होंने मोक्ष रूपी, मुक्ति रूपी केला हम सबके सामने रख दिया, और उसको पाने के लिए हमारा ध्यान इन सुख सुविधाओं से जब हट जाता है तो श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के सानिध्य में सेवा सिमरन करने से हम आत्माओं का जीवन बदल जाता है, और हम इस संसार रूपी जो काल है इससे भी छुटकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो कहानी तो बहुत छोटी है पर इसमें बहुत गहराई है, कि हम सभी कहीं ना कहीं संसार में जो ये सुख सुविधाएं हैं इनको एकत्रित करने में लगे हुए हैं, परंतु होता क्या है, ये हमारे हाथ में भी नहीं आती और सिर्फ पछतावा हमारे हाथ में आता है। तो अभी भी समय है कि श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के सानिध्य में रहकर, उनकी चरण शरण में रहकर हम सेवा सिमरन की कमाई करें, और जो हम जीवों का सच्चा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करें। जय सच्चिदानंद।